एंड ऐसा बोला जा रहा है कि आंधी आने वाली है बहुत तेज से। ये है साल की पहली बारिश। ओह माय गॉड, ये बैटरी और ये देखो यहाँ पे लाइट खराब है भाई, ये तार पड़ा नीचे जमीन में, ये कल आंधी में लग रहा है। इस छोटी सी चीज के लिए हमें 1 किलोमीटर धूप में पैदल चलना पड़ा, नहीं जाएगा, और 1% बैटरी फोन में मात्र। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एंड अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी भी आंधी आने वाली है। तो मतलब कोई बोल दे कि आंधी आने वाली, तो आंधी आ भी जाए, तो ये चीज़ देखनी है आज की, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो अभी देखते हैं बाहर का मौसम, अभी पूरी तरीके से अंधेरा भी नहीं हो पाया। अभी ब्लॉग मैंने एक एंड कर दिया है, एक झूरा चालू कर रहा हूँ मैं। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि आंधी आने वाली है बहुत तेज़ से, ऐसा कुछ बादल वादल है, ऐसा कुछ मौसम है, देख सकते हैं आप। देखते हैं भाई आंधी आती है कि नहीं। हल्की हल्की हवा तो आने लगी है यार, तो देख सकते हैं आप हल्की हल्की हवा आप चलने लगी है, और ये हवा धीरे धीरे बढ़ जाएगी। पेड़ वेड़ भी हिल रहे हैं, मैं ऐसे हवा चलती रहे तो ठीक है, लेकिन आंधी का आना वो बहुत तेज़, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। हाँ भाई, अब तो पेड़ काफ़ी तेज़ चलने लगे हैं, अब तो पक्का आंधी आएगी। कपड़े वपड़े सब उतार लिए गए यहाँ से फिलहाल, तो इन्जॉय द आंधी। भाग, अबे तो सही में तो तेज, इतनी तेज झोंका आया देखो सब। अरे बाप रे, सही में आंधी आ गई भाई। हम तो अरे पानी बरसेगा क्या, गई लाइट, गई लाइट, गई पूरे मोहल्ले की, पूरे मोहल्ले की लाइट गई। हाँ डांस कर लो, मतलब बारिश हुई नहीं, मेंढक पहले निकला है। तो सामने रोड पे तो बहुत तेज आंधी चल रही है इस समय यार, धूल उड़ रही है। मैंने पहले खिड़की बंद कर दी थी, भाभी ने हमसे कहा कि आंधी आने वाली है, अपने कपड़े उतार लो जाके। हमने पहले गेट सब बंद कर दिए खिड़की, और कपड़े उतार लिए थे मैंने, और सही में आंधी आ गई यार। वाह भाई, गाँव के लोग तो ऐसे भविष्यवाणी कर देते। वो भी क्या तेज, सामने देखो कितनी तेज आ रही, वो देखो सामने कैमरे में भी देखो, सब फूल उल आ रहे अच्छे से, सब दिख रहा। अरे बाप रे, ये दिखा इस जो सब कैमरे में देख पा रहे हैं, सब धूल ही धूल है पूरी, जो कैमरे में आपको धुंधला धुंधला सब दिख रहा है। देखो ये सब धूल, देखो धूल कितनी तेज नीचे है। एंड देखो बंदर बैठा दिख रहा है, ये बैठा बंदर। अबे इधर ना आना, डंडा 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 ला। आवाज में बताएं हम बेटा, तुम घर में घुसाते हो हमारे। भगा भगा भगा, भाग गया भाग गया। सो गाइस, अभी देखिए आंधी के साथ बारिश भी स्टार्ट हो गई यहाँ पे, एंड पानी वानी बरसने लगा है। इस साल की पहली बारिश आई थिंक, इससे पहले मैंने कभी बारिश नहीं देखी इस साल पे। देखो यहाँ पे मेंढक, बारिश में मेंढक कूद रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अरे नहाना नहीं, इधर आंधी आ रही, पागल ही बनी मैंने पूरी, नहाना है इसको बारिश में। अरे बरसेगा नहीं, बंद हो जाएगा अभी, वो आंधी चल रही ना इसीलिए, बस हो गई बारिश बंद, चलो आओ। तो अब तो बारिश और तेज हो गई है, हमें लगा था बंद हो जाएगी लेकिन नहीं बंद हुई, और अगर दिन होता तो काफ़ी और अच्छा लगता, अच्छे से बारिश को देखते और हम भी नहा लेते, एंजॉय करते। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं पूरी छत भीग गई है, और पूरी छत पर पानी भर गया है यार, देखो तो, मतलब बारिश कितनी तेज़ हो रही है। ये है साल की पहली बारिश, ओ माय गॉड, कौंधा लपक रहा है, मतलब ये देखिए, वाह 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 क्या नज़ारा आ रहा है, वाह। साल की पहली बारिश आप लोगों ने देख ली दोस्तों, कितनी मस्त लगी। एंड ये बहुत तेज़ पानी गिर रहा है यार, पूरी कसर निकाल ले रहा है गर्मी की, ये आप देख सकते हैं। अंधेरा है दोस्तों, इसलिए सही से दिख नहीं पा रहा है। अरे वाह, अरे वाह, चारों तरफ लाइट लाइट, वाह। एंड ये देखो इधर, मतलब ये मानी ने इसने नहा ही लिया आखिर। चलो बेटा तुमको बताते हैं नीचे, अभी पापा बुला रहे हैं, चलो। The next morning. Good morning to everyone. अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, एंड रात में पता क्या हुआ, लाइट चली गई थी, शाम को आंधी आई थी उसमें, उसके बाद लाइट चली गई थी, उसके बाद फिर आई नहीं, मतलब आ गई थी मेरे मोहल्ले की, मेरे घर की नहीं आई, एंड पूरी रात नहीं आई, इन्वर्टर वगैरह सब डाउन हो गया। एंड अभी देखो वो आया है, क्या बोलते हैं, चूल्हे की सर्विस करने वाला, वो सर्विस कर रहा है बार, उसको करवा रहे हैं। एंड अभी चाय पीते हैं यार, अभी तो सो के उठे हैं, देखो शक्ल देख लो मेरी कैसी लग रही है, अभी सो के उठे हैं बिल्कुल।
गाइस अभी नहा तो लिया है, 11:30 हो रहा है एंड लाइट अभी भी नहीं आई है। 1 घंटे के लिए सुबह आई थी, फिर चली गई, इन्वर्टर चार्ज हो नहीं पाया एंड मेरा फ़ोन अभी स्विच ऑफ होने वाला है, बस 17% बैटरी बची हुई है, तो ये भी बंद हो जाएगा अगर ऐसे ब्लॉगिंग करता रहा मैं। एंड पता नहीं लाइट कब आएगी यार। एंड अभी मुझे USB लेने जाना है एंड बाज़ार में, तो वहाँ USB लाते हैं, एक मेमोरी कार्ड है जो कार में लगेगा पापा के लिए, उनमें पुराने गाने पड़े हैं तो उसको भी USB लेके आते हैं भाई एंड कार में लगाते हैं, फिर बजा के देखते हैं बजती है कि नहीं बजती मेमोरी कार्ड जो भी पुराना पड़ा है। तो अभी जा रहे हैं बाज़ार, धूप भी मतलब हल्की है, मतलब उस तरीके से धूप नहीं है, तो मेरे ख्याल से मैं पैदल चला जाऊँगा और आराम से लेके आ जाऊँगा। तो जा तो गाइस अभी बेलक शरबत गूगल से पूछो, मात्र 5% बैटरी बची है मेरे फ़ोन में एंड मैं कैसे देख सकता हूँ कि बेलक शरबत कैसे बनेगा बताइए आप लोग। अच्छा मैं किसी कॉल करके पूछता हूँ, किसी होशियार आदमी से बेलक शरबत कैसे बनेगा, तो वो शायद हमको बता दें, पूछता हूँ। तो गाइस जिस विद्वान के पास कॉल की थी बेल का शरबत पूछने के लिए, उसको भी घंटा कुछ नहीं मालूम, बोला हमें कैसे पता, मतलब हमने कभी किया नहीं तो हम क्या बताएं। तो गाइज़ ये देखो आत्मनिर्भर भारत अपने आप से पकौड़ी बनाई जा रही है यहाँ पे, मतलब बोला कहकर रुको हम बना देंगे घर में, सब बोल रहे हैं लेकिन नहीं, इनको अपने आप बनानी है। हमें खिलाओगी? नहीं खिलाएगी। और नाक में क्या लगा। तो गाइज़ अभी जा रहे हैं USB लेने के लिए, इसमें मेमोरी कार्ड लगता है ना, वो लेने जा रहे हैं एंड मेरे फ़ोन में बस 2% बैटरी है, पता नहीं कब तक चलेगी ये भी देखना है, मेरे ख्याल चल जाएगी बैटरी। और ये देखो यहाँ पे लाइट ख़राब है भाई, तभी नहीं आ रही है, तभी हम सोचे कि इतना लंबा लाइट कटौती हो कैसे सकता है। कितने लोग खड़े हैं, ये तार पड़ा नीचे ज़मीन में, ये कल आंधी में हमें लग रहा है टूट गया है तो इसीलिए बन रहा है ये हम सोच रहे कि सुबह से लाइट नहीं आ रही, क्या सिस्टम है ये वो है, देखो हमें लग रहा पूरी लाइन ही उड़ गई है। हमारा फ़ोन जिंदा है बस मात्र 2% बैटरी पे, चेक कर लूँ एक बार कितना है, हाँ 2% बैटरी पे जिंदा है हमारा फ़ोन और ये पता नहीं कब तक चलेगा। ये है हमारी किसान बाजार जो कि बड़ी सी आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे, ये पीछे का एरिया अरे बहुत सी दुकानें अंदर खुली हैं, मोबाइल के सर्विस सेंटर वगैरह हैं, रियलमी वगैरह के, खैर। और धूप काफ़ी अच्छी है, मस्त, हम धूप में चल रहे हैं, थोड़ी दूर है बस यहाँ से दुकान, ज़्यादा दूर नहीं है, बस यही कि 500 मीटर होगी, वहाँ मिल जाए बस, अब मिल तो जाएगा, अब दुकान खुली हुई ये मतलब है कहने का, दुकान खुली हुई तो मिल तो जाएगा ही, तो चलते हैं। ये है यहाँ से स्टार्टिंग होती है एंड इधर का, इधर तो पूरा जंगल बन चुका है फिलहाल, तो बिल्कुल अंदर साफ सफाई नहीं है, बड़े बड़े झाड़ियाँ, जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं वो खड़ी हो चुकी हैं अंदर, देख लो गाइस इतनी धूप में हम पैदल चलने से काले हो रहे हैं, लखनऊ से आए थे तब ठीक थे लेकिन अब ज़्यादा काले हो गए हैं। सो गाइस दिस इज़ द बैड न्यूज़ एंड शॉप बंद है पूरी तरीके से, यहाँ पे कुछ काम वाम चल रहा है, तो ये तो पोपट हो गया बढ़िया वाला। और अब देखो फ़ोन में है 1% बैटरी, अब थोड़ा और आगे जा रहे हैं, हो सकता है आगे दुकान खुली हो। यार ये शॉप क्यों बंद है यार, हाथ धो गए सही में। 1% बैटरी पे कितना फ़ोन चल जाएगा मुझे ये देखना है, क्या मैं घर तक पहुँच पाऊँगा पता नहीं मुझे, देखते हैं क्या होता है। अरे गाइस बहुत दूर पैदल आ गए हैं यार, कम से कम 1 किलोमीटर पैदल आ गए, इतनी धूप में पूरी एनर्जी डाउन हो रही है, बट शॉप आने वाली है बिल्कुल पास में एंड शॉप पहुँचते हैं, देखते हैं यार ये फ़ोन ना मर जाए कहीं, उधर से पक्का ऑटो से जाएंगे यार। फाइनली ये रही सामने शॉप, ये तो ओपन है एंड यहाँ मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ऐसे इस छोटी सी चीज़ के लिए हमें 1 किलोमीटर धूप में, ऐसी धूप में पैदल चलना पड़ा, बताओ इसके लिए। एंड आप ऑटो देखते हैं यार, पैदल नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत दूर है, आ जा भाई ऑटो वाला, आग तो गया है फिलहाल, तो देखते जाएगा कि नहीं जाएगा। और 1% बैटरी है फ़ोन में मात्र, ले चलो यार आगे, अब ये कहाँ ले जाएगा, ये बक्सा वक्सा टांगे आ रहा है इससे पूछते हैं, ये भी नहीं जाएगा यार, हद भी कैसे मियाँ। चलो गाइस कोई ना कोई तो जाएगा ही, देखते हैं खटिया हैं यहाँ पे, जिसको लेनी हो यहाँ लखनऊ चुंगी वाली रोड पे आ जाए, सर्कुलर रोड पे आ जाए, यहाँ ले ले आके। और मेरा फ़ोन अभी भी ज़िंदा है, वाह घर पहुँचा देगा मेरे ख्याल से, उम्मीद तो यही है। अरे यार इसमें तो जगह ही नहीं है, मतलब। तो गाइस हम तो वहाँ पे खड़े थे ऑटो के लिए, बट ऑटो उसके बाद मिल गया था हमें, लेकिन वहाँ पे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो उसके आगे मैं कुछ शूट नहीं कर पाया एंड अभी 2:30 बज रहे हैं और मैं घर आ चुका हूँ काफ़ी देर पहले ही, और मेमोरी कार्ड भी लगा के चेक कर लिया, सब कुछ सही चल रहा है। तो मतलब आज पहली बार ऐसा हुआ कि लाइट ना होने की वजह से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, पहली बार ऐसा हुआ, मतलब इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो गाइस अभी सब कुछ तो ठीक था बट लाइट आ गई है, बट इन्वर्टर में कुछ थोड़ी दिक्कत आ रही है, चार्ज नहीं कर पा रहा है एंड जब लाइट जाती है इन्वर्टर शट डाउन हो जाता है। अभी इन्वर्टर सही कराते हैं जाके, मिस्त्री को लेके आते हैं एंड अभी के लिए दोस्तों इस ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। एंड ये वाला ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताएगा, अगर अच्छा लगा थोड़े को लाइक कर दे, चैनल पर सब्सक्राइब कर दे, तो मिलता है आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो भाई अभी गए थे इन्वर्टर वाली दुकान पे, तो उन्होंने बोला है कि आपकी बैटरी ख़राब हो चुकी है, 4 साल की हो चुकी है, तो उसको नहीं लगवाओ। अब ये एक समस्या आई, मतलब ख़त्म ही नहीं होती समस्या। Fearless.